ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, नियर बशीर मेहंदी वाला, मुंबई। भिवंडी शहर से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पानी की टंकी से बच्चे की लाश बरामद किया गया है। लाश मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हर तरफ परिवार के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चे का नाम विकी न्यास गोपाल चौहान, उम्र 3 साल है। ये बच्चा भिवंडी के पोर्टल गेट के पास स्थित एक इमारत में अपनी मौसी की सगाई में आया हुआ था और 26 जनवरी के दिन दोपहर 3 बजे से ये 3 साल का विकी न्यास लापता हो गया, जिसकी शिकायत परिवार के लोगों ने पुलिस में दर्ज कराई थी और तभी से इस बच्चे की तलाश पुलिस और परिवार के लोग कर रहे थे। यहाँ तक कि इस बच्चे को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया में इसकी तस्वीर भी वायरल की गई, मगर विकी न्यास का कुछ पता नहीं चला। जानकारी के अनुसार आज पुलिस ने तीसरे दिन डॉग स्क्वाड के जरिए बच्चे की लाश पानी के टंकी से बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बच्चे की मौत पर तरह तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं कि क्या बच्चा खुद से अनजाने में पानी की टंकी में गिर गया या फिर मामला कुछ और ही है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और पुलिस जांच में ही इसका सच सामने आएगा।